अलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? आज हम लोग फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं कैमरॉन हाइलैंड्स। बाइक पे तो मैं गया था, तो फैमिली ने कहा कि भाई हमें भी लेके चलो, तो अब हम लोग चल रहे हैं। और अभी हम लोग टोल प्लाजा के ऊपर हैं। यहाँ पे अभी मैं एक टच एंड गो का कार्ड होता है, ये लगा के आप बड़े ही आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। रेंट पे हम लोगों ने गाड़ी ली है, प्रोटॉन सागा, और 1600 CC है। आज हमारे साथ यहाँ पे सारिया हैं और इब्राहिम सो रहे हैं और जैना भी सो रही हैं। सो हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया है। रेंट पे अगेन गाड़ी ली है हम लोगों ने 3 दिन के लिए। हमें ये कोई 800 रिंगेट में पड़ी है, चीपर देना BMW ऑफ कोर्स। प्रोटॉन यहाँ पे बहुत कॉमन है, यहाँ का लोकल ब्रांड है, जिसकी वजह से आई थिंक इट बिकम्स रियली चीप। और माउंटेनियस रोड है, तो इसलिए सोचा थोड़ा सा हायर ग्रेड की गाड़ी ली जाए, तो 1600 CC आई थिंक इट विल बी सफिशेंट इनफ। और अभी हम लोग सुबह के 9 बज रहे हैं, बस निकल रहे हैं। 3 घंटे की ड्राइव है। स्मोक हाउस जगह का नाम है जहाँ पे हम लोगों का स्टे है, गोल्फ क्लब के पास है। एक दोस्त ने ही रिकमेंड किया था, तो अभी आप देख सकते हैं हाईवे के ऊपर है हम लोग, लगी हुई है, तो अभी हम लोग फ्यूल के लिए भी कहीं पे स्टॉप करेंगे और वो भी कुछ खाएगी। 2 कैपेचिनो और एक कड़ी पफ। ये देखें खूबसूरत सा व्यू स्टारबक्स के ऊपर, एंड इट्स अ बेसिकली अ पेट्रोल स्टेशन एंड डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। और ये दूसरा स्टॉप है कोलालंपुर से हाईवे के ऊपर, और आज वीकेंड की वजह से ठीक ठाक रश है यहाँ पे। और हम लोगों को पार्किंग नहीं मिली, तो हम लोग आगे जाके हमने वहाँ पे कहीं पे जाके गाड़ी खड़ी की है। बट अब हम वेट कर रहे हैं, अपना खाना शाना खाते हैं, यहाँ पे चिलिंग करते हैं थोड़ी देर। जी हमारा सफ़र चल रहा है, और ये भी आप सामने देख सकते हैं एक छोटा सा वाटरफॉल भी आया हुआ है। यहाँ पे लोग स्टॉप ओवर करते हैं, तस्वीरें वगैरह लेते हैं। ये देखें फ्रूट्स वगैरह भी हैं और शॉप्स हैं थोड़ी बहुत। सो ये छोटा सा स्टॉप है मेरे पीछे वाटरफॉल का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग वगैरह आए हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर आगे अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट करते हैं कैमरॉन हाइलैंड्स की तरफ। अभी जिस जगह पे हमने रहना है वहाँ से हम 1.5 घंटा दूर हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर बारिश वगैरह हो रही थी और बाइक्स पे थे, तो उस तरह से रुक नहीं सके। हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई है और खूबसूरत किस्म के और भी ज़्यादा व्यूज़ बनना शुरू हो चुके हैं। हम लोग कैमरॉन हाईलैंड सिटी में आ चुके हैं। ट्रैफिक यहाँ पे ज़्यादा है और होटल से 10-15 मिनट के फासले के ऊपर हैं। ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है यहाँ पे वीकेंड की वजह से, बट सिंस लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। सो काफ़ी रेस्टोरेंट्स, काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पे। अभी जिस हम स्पॉट के ऊपर हैं यहाँ पे आपको काफ़ी बजट होटल्स भी मिलेंगे, बट हम जाके अपने होटल में चेक करते हैं कि क्या सीन है। खाने के लिए स्टॉप किया है, होटल वाली साइड पे गए हैं लेकिन पार्किंग नहीं मिली, और फिर इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे कि हमने कहा कि चलें कुछ मंचिंग हो जाए। सो बिरयानी, स्ट्रॉबेरी शेक, यहीं पे स्ट्रॉबेरीज उगती हैं स्ट्रॉबेरी फार्म्स के ऊपर। ट्रैफिक देख रहे हैं आप लोग,
किसी ने हमें इस ट्रैफिक के बारे में नहीं बताया था। हमने व्लॉग्स वगैरह भी देखे और वीकेंड के ऊपर इतना रश होता है कि आप 20-40 किलोमीटर मैक्स के ऊपर स्पीड के ऊपर चल रहे होते हैं। सो ये ध्यान से आइएगा एज अ टूरिस्ट कि अगर आप वीकेंड के ऊपर आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट लॉन्ग लाइंस ऑफ कार्स। बाइक वगैरह पे आ रहे हैं तो इट्स ईजियर, बट दिस इज़ अ चैलेंज विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद एवरीबडी दैट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग ओवर हेयर। सो गाइज, दिस इज स्मोक हाउस होटल जहाँ पे हमने दो दिन का चेक इन किया है। विक्टोरियन स्टाइल का है, बहुत ही खूबसूरत, और इट्स बीन हेयर सिंस 1937। सो पाकिस्तान से भी 10 साल पुराना। ये देखें खूबसूरत व्यूज़, हल्की हल्की बारिश हो रही है। इस साइड के ऊपर हमारे रूम्स हैं, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये मेरी फैमिली यहाँ पे अपने फ़ोटोज़ वगैरह ले रही है। यहाँ पे एंट्रेंस है। बिल्कुल आपको जो है बहुत ज़बरदस्त कंडीशन के अंदर इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। वेरी नाइस। ये बाहर एक साइड का व्यू, अभी बारिश हुई भी है। बुकिंग करानी हो आपने तो smokehousehotel.com, फ्री की एडवर्टाइजिंग दे दीजिए हम लोगों को। सब्सक्राइबर्स तो हमारे इतने हैं नहीं, लेकिन फ्री की एडवर्टाइजिंग हम फिर भी देंगे। देखें कितना खूबसूरत किस्म का व्यू है। यहाँ पे फाउंटेन के साथ बैठें, चाय वगैरह पिएं, चिलिंग करें और इन्जॉय करें लाइफ को। एक और व्यू आपको दिखाते हैं यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का। ये शाम में हमारा डिनर है, बट अभी ये ओपन कोर्टयार्ड है और यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह के लिए बैठे हैं। ये अंदर से बाहर का व्यू, इस वक्त काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ बन रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप लोगों को दिखाता चलूँ। दो दिन हमने यहाँ पे ठहरना है और दो दिन के लिए हमने कोई 2000 रिंगिट यहाँ पे दिए हैं, चार लोगों के दो कमरे जिसमें ब्रेकफास्ट फ्री है। सो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील यहाँ पे इस माहौल के अंदर। अच्छा जी, रूम आपको दिखा दें जो हमें रूम मिला है यहाँ पे, किस तरह का रूम है। ये एंट्रेंस है और ये जी बेडरूम है, दो आपके लिए चेयर्स हैं यहाँ पे और बेड, टेलीविज़न वगैरह, कॉफ़ी का सारा सेटअप, स्टडी टेबल, और फिर यहाँ पे इस बेडरूम के साथ ये वॉशरूम विद टू वैनिटीज। सो काफ़ी ऑथेंटिक और 18th सेंचुरी की वाइब दे रहा है, काफ़ी इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इसे बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने टू नाइट्स का स्टे करना है, आज की और कल की रात, और फिर परसों हम लोग वापस कुआलालंपुर के लिए चले जाएंगे। और ये जो है हमारा सेकंड रूम है जो हमने बच्चों के लिए बुक किया है, इट्स मच स्मॉलर। वो मास्टर बेडरूम था, ये थोड़ा छोटा है, बट अटैच वॉशरूम और सेम ऑथेंटिक वाइब के साथ खूबसूरत। फाइन डाइनिंग कर रहे हैं। ये क्या है? दिस इज बीफ विलिंगटन, दिस इज लैम्ब, दिस इज चिकन एंड दैट वन इज ऑल्सो चिकन मैरीलैंड। सो डिनर के बाद थोड़ा सा निकले हैं कि थोड़ी वॉक वगैरह करें। आइडिया तो नहीं है कहाँ पे हैं एग्जैक्टली, बट हमने कहा कि वैसे ही थोड़ा एक्सप्लोर करें। एक छोटी सी ब्रिज थी, वहाँ से क्रॉस करके अब यहाँ पे आए हैं। ये मेन जो है यहाँ पे एक छोटा सा आप कह लें
सेंटर पॉइंट एरिया बना हुआ है। इस वक्त कोई रश नहीं है, गाड़ियां हैं थोड़ी बहुत, बट उस तरह का रश नहीं है जिस तरह का हमें सुबह में मिला था। अभी हम लोग प्लान कर रहे थे कि कल हमने क्या करना है, तो वो चीज़ें हमने लाइनअप की हुई हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, उसकी मैं व्लॉगिंग करूँगा कल होपफुली। और कुछ नाइट फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे बिटवीन माई वाइफ एंड माई डॉटर। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी मॉर्निंग फ्रॉम कैमरॉन हाइलैंड्स। सुबह हो गई है, हम लोग रात हमने रेस्ट वगैरह कर लिया है और अब हम आज हमने 3 स्टॉप्स प्लान किए हैं जिनके ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे गिवन द वेदर कंडीशंस, द ट्रैफिक कंडीशंस, हम पहुंच सके। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी फार्म, बिग स्ट्रॉबेरी फार्म, उसके लिए अभी हम लोग निकल रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या सीन पार्ट चल रहा है। सो बिग स्ट्रॉबेरी फार्म हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे अब चल के देखते हैं किस तरह के फॉर्म्स हैं और क्या सीन पार्ट है। ये जी स्ट्रॉबेरी फार्म्स हैं, टनल फार्मिंग वाला सीन है यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे आप स्ट्रॉबेरीज वगैरह देख भी सकते हैं। स्मेल भी बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग किस्म की आ रही है यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज की। लेफ्ट साइड के ऊपर जो हैं ये अभी आई थिंक स्टार्ट करने लगे हैं फार्मिंग, और राइट साइड के ऊपर आप स्ट्रॉबेरीज को देख भी सकते हैं। ये और डिफरेंट किस्म के फूड्स आप यहाँ से ले सकते हैं, एप्पल पाई, स्ट्रॉबेरी जैम, स्ट्रॉबेरी आइस कॉफी। सिटिंग एरिया है, हम लोग जल्दी आ गए ताकि रश ना मिले हमें। ये स्टोर है जहाँ पे आपको स्ट्रॉबेरी रिलेटेड चीज़ें मिल सकती हैं। गुड सीन, हैंडल विथ केयर, वंस ब्रोकन कंसीडर्ड सोल्ड। ये जी फार्म फ्रेश स्ट्रॉबेरी जैम, ये 11 रिंगिट की मिल रही है। हनी भी है यहाँ पे, हर चीज़ स्ट्रॉबेरी रिलेटेड। ये क्या है, स्ट्रॉबेरी फार्म जूस। ये देखें, मैं फार्म्स के अंदर मैंने कहा थोड़ा सा करीब से भी देखें। ये इस तरह से इन्होंने सेटिंग की हुई है, ज़बरदस्त यार। डू नॉट हार्वेस्ट, अच्छा इस तरह के फॉर्म्स अक्रॉस कैमरॉन हाइलैंड्स आपको मिलेंगे। हम लोगों ने जो है वेब के ऊपर सर्च किया था तो ये बिग स्ट्रॉबेरी फार्म जो है टॉप के ऊपर आया था रिव्यू रेटिंग वाइज, तो हम लोग इधर आ गए। बट काफ़ी सारे फॉर्म्स स्कैटर्ड हैं अक्रॉस, आप किसी को भी जाके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वहाँ पे सिटिंग एरिया भी है, और फिर जिस तरह से अभी मैंने आपको स्टोर के अंदर दिखाया तो आपको स्ट्रॉबेरी रिलेटेड फूड आइटम्स भी मिलेंगे जो आप वहीं बैठ के इंजॉय भी कर सकते हैं और साथ लेके भी जा सकते हैं। सो ये एग्जिट ले रहे हैं स्ट्रॉबेरी फार्म से। ट्रेचरस सी रोड है लेकिन खूबसूरत भी उतनी है। In 200 meters, turn left, then make a U-turn. In 300 meters, turn left. Feels like you are going through middle of the jungle, which kind of you are. It's a rainforest. ट्रैफिक देख सकते हैं आप, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारा नेक्स्ट स्टॉप से और 50 मिनट्स का ETA आ रहा है। सो हो सके तो वीकडेज़ में आएँ यहाँ पे, वरना बहुत खौरी है, या फिर वॉक करें गाड़ी पार्क करके। ये देखें गाड़ियाँ, देखें अब आप नॉन स्टॉप ये लगी हुई हैं,
ऐसे लग रहा है कि ईद के ऊपर ये लोग नथिया गली और नारान खगान आए हुए लिटरली। कब पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे? और अभी तो वेदर ठीक है, अगर बारिश हो गई तो ये रश और भी डबल हो जाएगा। रश की वजह से हमने अपना प्लान चेंज कर लिया। पहले हम जा रहे थे बटरफ्लाई पार्क, लेकिन वहाँ पे इतना रश था तो अब हमने कहा है कि डिटोर करके पहले टी प्लांटेशन को जाके चेक करते हैं और फिर उसके बाद प्लान करते हैं कि आगे क्या करना है। सो वी आर 12 मिनट्स अवे, अराउंड 4 किलोमीटर्स फ्रॉम द टी प्लांटेशन। सिंगल रोड के ऊपर अब हम आ गए और इस साइड के ऊपर कोई भी नहीं जा रहा, सिर्फ हम जा रहे हैं बिकॉज अपेरेंटली सारिया ने बताया कि शाम में सनसेट देखने लोग जाते हैं। रोड और भी तंग हो गई है बस हम ऊपर जा रहे हैं, बस सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर प्लांटेशन का मेन स्पॉट है। ऑलरेडी स्टार्ट तो हो गई हैं लेकिन वहाँ से फिर आई थिंक एंट्रेंस है और वहाँ पे आई थिंक एक रेस्टोरेंट भी है, चाय भी हम वहाँ पे पियेंगे। ऑब्वियसली देखेंगे जी फ्रेश चाय कैसी होती है, उसको फिर हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की डबाल टी से। रोड यहाँ पर काफ़ी ख़राब है, 4x4 वैसे होनी चाहिए आपके पास अगर, और रेंट पे भी लेनी है तो वो लेने ज़्यादा अच्छा रहेगा, गाड़ी पे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट अब तो हम आ गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये इस तरह के ब्लाइंड कट्स हैं, बट सिंस वी आर नॉट इन पाकिस्तान घबराने की बात नहीं है, यहाँ थोड़ा सा एहतियात से ही चलते हैं सारे। ये देखें जी यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हैं, ज़बरदस्त सा व्यू है प्लांटेशन का और ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चाय वगैरह ऑर्डर की है और फिर ये अंदर एक गिफ्ट शॉप सी बनी हुई है जहाँ पे डिफरेंट किस्म की टीज हैं जो यहीं पे ही कल्टीवेट होती हैं और यहीं पे पैकेज होती हैं। तो ये सारे टी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद ऑर्डर वगैरह करने के लिए यहाँ पे इन्होंने जगह दी हुई है, यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के केक्स, स्नैक्स और चाय वगैरह मिलती है। ये थोड़ी सी आइसक्रीम्स हैं डिफरेंट फ्लेवर्स की जो आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ऑफ कोर्स इज़ ऑल्सो है। और फिर पीछे इनका पूरा सेटअप है। और इस टी गार्डन के ऊपर अगर हम बात करें तो 1929 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी BOH, और 1932 में दे स्टार्टेड द टी प्रोडक्ट डिलीवरिंग इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। की एक्सेस रोड की कंस्ट्रक्शन भी 1930s के अंदर हुई थी। तो ये थोड़ी सी इसके ऊपर हिस्ट्री है। चाय हमने पी है यहाँ की, लेकिन चाय जो है यहाँ की हमारी पाकिस्तान जैसी चाय नहीं है, हमारी चाय की गेम और है बस। मेरा ख़्याल है कभी ला के इनको बना के पिलाई जाए और बताया जाए हम लोगों की जो चाय है उसका क्या टेस्ट होता है। लो जी स्टार्ट करते हैं दोबारा से, अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉप हमने जो प्लान किया है अभी वो है मॉस फॉरेस्ट, जो हमें यहाँ से मैप्स के ऊपर कोई लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है और स्पीड हमारी बिल्कुल स्लो है। ये देखें सामने से गाड़ियाँ भी आ रही हैं और रोड थोड़ी सी तंग है, कभी आपको रुकना पड़ता है कभी उनको रुकना पड़ता है, और आराम आराम से जो है आप आगे पीछे करके निकल सकते हैं।
यार बहुत ट्राई किया कि हम लोग मॉस फॉरेस्ट पहुंच जाए, लेकिन इतना रश है और साथ बच्चे हैं कि बस हमसे नहीं हो सका। और अब हम पेशेंस भी नहीं है ना पाकिस्तानियों में, तो बस अब हमने सोचा है कि मैकडॉनल्ड से ज़रा लंच करते हैं और वापस जाके थोड़ी चिलिंग करते हैं, शाम में देखेंगे क्या करना है। सो ऑफ टू मैकडॉनल्ड। हल्की हल्की बारिश हो रही है जनाब आली, और हम लोग ने कहा कि ये एक छोटी सी मार्केट है, इसको हम जाके ना एक्सप्लोर करें। इब्राहिम और मैं पीछे हैं, जैन एंड सारिया अप फ्रंट, और अब हम पहुंच गए। अब हम यहाँ पे हम देखते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या शॉप्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट स्टोर्स हैं। और ये चेक करें दूसरी साइड का व्यू भी विद हल्की हल्की बारिश, पीछे ट्रीज़ और साइड के ऊपर माउंटेंस, बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त व्यू आपको देखने को मिल सकता है। जी हम थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्टारबक्स यहाँ पे हर जगह पे अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है। हल्की हल्की बारिश और साथ में आप बैठें और स्टारबक्स इंजॉय करें, क्या बात है। अच्छा, सिटी के सेंटर के अंदर एक सेंट्रल मॉल के नाम से बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और ब्रांड्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये भी एक दिन का आपका चिलिंग स्पॉट हो सकता है, जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं। इट कैन बी आफ्टर यू हैव बीन थ्रू ऑल द टूरिस्ट स्पॉट्स, और उसके बाद आप एक दिन यहाँ पे रिलैक्स करें, एक दिन यहाँ पे चिल करें, इंजॉय करें, फैमिली को भी इंजॉय कराएं। पार्किंग वगैरह अंडरग्राउंड है, सारा सेटअप है, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है।